चलो तो फाइनली राइड कर रहे हैं स्क्रैम्बलर 411 स्क्रैम 411। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं स्क्रैम 411 का लॉन्च देखने। यहाँ पर हमारे यहाँ हापा जामनगर में हापा शोरूम है रॉयल एनफील्ड का, वहाँ पे जो है इसका आज लॉन्च है 6 बजे के आसपास, तो लॉन्च अटेंड करने जा रहे हैं सबके सब। तो फाइनली राइड कर रहे हैं स्क्रैम्बलर 411 स्क्रैम 411 एंड राइडिंग में अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हैंडलिंग भी इवन बहुत सही लग रही है, राइड करने में ब्रेकिंग वेकिंग सब जो है एक नंबर दिया हुआ इसका। हिमालयन से डिफरेंट है, हिमालयन से सिटिंग पोस्चर अगर देखेंगे तो और कुशनिंग भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो आपको दिखने पड़ेगा। अच्छा सॉफ्ट कुशन जो है सीट दिया हुआ है एंड सेम जो कंसोल है इसके अंदर वो मीटियोर वाला ही कंसोल दिया जिसमें गियर इंडिकेटर मिल रहा है, ट्रिप दिख रहा है। ओके, इसमें ट्रिपल नेविगेशन भी आप लगा सकते हैं, बाकी स्टैंडर्ड स्विच असेंबलीज हैं जो आपको बाकी स्टैंडर्ड बुलेट और इंटरसेप्टर इन सब मिलती है। मिरर्स भी सेम स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंस हल्का सा देखने मिल रहा है बट मेन चीज़ है इसकी हैंडलिंग, इस बाइक की हैंडलिंग। और आप जो है इसमें आराम से जो है हाईवे पर राइड कर सकते हैं। और ये ब्रेकिंग भी सही है, मुझे अगेन ब्लू पसंद है। एंड ये जो है थोड़ा कार्बन ब्लैक जैसा, मतलब ग्रेफाइट रेड कलर जो है इसके अंदर दिया हुआ है, मैं जो राइड कर रहा हूँ अभी। एक नंबर। ये देखिए ब्रेकिंग सुपर, और बाइक उतनी हैवी भी नहीं लग रही है। बाइक जो है उसका वेट बिल्कुल भी आपको राइडिंग के टाइम पे बिल्कुल ही फील नहीं होता है एंड टोटल रिस्पॉन्स सुपर। फाइनली दोस्तों हमारे सामने है स्क्रैम 411 एंड दोस्तों इमेजेस में देखने में और सामने में देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है ये बाइक लगती है। ये जो कलर है हमारे सामने ये है वाइट एंड रेड, इसको वाइट फ्लेम जो है कंपनी ने नाम दिया हुआ है। हालांकि इसका लुक जो है फोटोज़ में बहुत ही डिफरेंट लग रहा था बट सामने जो है बहुत ही अलग और अट्रैक्टिंग जो है बाइक लग रही है। एंड दोस्तों आज जो हम कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं इसको, बहुत सारे डिटेलिंग जो है इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए या क्या कंपनी ने चेंजेस किए हुए हैं इसके अंदर, वो सारी डिटेलिंग। सेम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको मीटियोर जैसा ही सेम टू सेम जो है मिल रहा है, सिर्फ इसमें जो स्विच है वो सिर्फ चेंज किया हुआ है। इसमें एक जो आप जो ट्रिप वाला सेट कर सकते थे उसका स्विच जो है वो चेंज किया हुआ है, पहले आपको लेफ्ट में आता था वो राइट में आता है। एंड ये कास्ट आयरन का जो है दोस्तों आपको पूरा फ्रेम जो है हेडलाइट का वो बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया। एंड ये लुक जो है सेम टू सेम SG 650 जो थी ना वैसा कुछ जो है फ्रंट से हेडलाइट का असेंबली का जो लुक है वो लग रहा है। टायर्स आप देख रहे हैं फ्रंट के 19 इंच के जो है व्हील की गई है, हाँ वो सेम आपको जो C8 का ग्रिप एक्सल था वो सेम टायर दिए जा रहा है जो कि आप मल्टी रोड पे राइड कर सकते हैं, और 19 इंच का जो है अब व्हील कर दिया गया है। स्क्रैम में दोस्तों फ्रंट मडगार्ड भी जो है टोटली चेंज है, हिमालयन में जो है टॉप में एक गार्ड आता है वो इसमें नहीं दिया गया, सिर्फ इसमें नॉर्मल जो आपको बाइक्स में जो मडगार्ड देखने को मिलता है वही सेम गार्ड जो है दिया गया, थोड़ा डिज़ाइन जो है उसमें चेंजेस आपको देखने मिल रहा है। इसमें बैज जो है वो दिया गया है, और दोस्तों अगर रेयर पे अगर जाएं तो इसका जो मडगार्ड है उसका डिज़ाइन भी हल्का चेंज जो है वो किया गया, तो हिमालयन जैसा कोई भी पार्ट जो है इसके अंदर नहीं रखा गया, सिर्फ इंजन और थोड़ा बहुत लुक वाइज अगर हम दूर से देखेंगे तो आपको हिमालयन जैसे लगेगी बट हालांकि आप राइड करेंगे इसको तो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा। ये नीचे जो रेयर बैकरेस्ट है ग्रैब ग्रिल्स है वो भी थोड़ा सा हैवी लुक के साथ में अच्छे ग्रिपिंग जो है वो दे रहे हैं, और मुझे मेन चीज़ इसका सीट बहुत अच्छा लगा। और रियर टायर जो है आपको सेम 17 इंच का ही मिल रहा है
ग्रिप एक्सल के टायर के साथ में, टायर की ग्रिपिंग जो है वो अच्छी लग रही है। 120 ब्रॉड टायर्स हैं, थोड़ा और ब्रॉड टायर्स करने चाहिए थे, थोड़ा सा और लुक जो है थोड़ा बल्किनेस रेयर से लगता। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछे हैं कि हम इसमें हिमालयन का जो पैनियर है वो लगा सकते हैं, तो हिमालयन का पैनियर जो है इसके अंदर फिट नहीं होगा, बिकॉज उसका जो क्लैंप आता है वही जो है इधर पे नहीं दिया गया। क्लैंप के अगर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो सीट ओपन करने का पोजीशन जो है दिया गया, सीट भी जो है आप हिमालयन की चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको जो सीट मिल रही है वो स्टैंडर्ड मिल रही है, बिकॉज का लॉक जो है वो टोटली चेंज कर दिया गया है। तो अभी की अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ की है इसकी, तो लॉक जो है वो पोजीशन भी चेंज कर दिया गया। तो आप इसमें दूसरी सीट जो है हिमालयन वाली नहीं लगा सकते, स्क्रैम 411 की अलग ही सीट होगी। एंड दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है उसका लुक सेम टू सेम, मैंने कहा था मीडियो जैसा ही है, फीचर भी सेम टू सेम है। बट इसमें पहले आपको राइट में जो है आई स्विच दिया जाता था, लेफ्ट साइड में आई स्विच दिया जाता था, अभी राइट साइड में जो है आपको आई स्विच दिया जा रहा है। ये देखिए आप इसका पोजीशन जो है सिर्फ चेंज कर दिया, हालांकि वर्किंग जो है सेम टू सेम है, जैसा मीटियर वर्क करता था वैसा ही वर्क जो है इसमें करेगा। एंड दोस्तों एक और चीज़, आप इसमें ट्रिपल नेविगेशन जो है वो फिट करवा सकते हैं इस एरिया में आराम से जो है आप बाय कर सकते हैं, 5000 के आसपास का है। एंड क्लैंपिंग और बाकी चार्ज के हिसाब से अगर आप देखें तो 5500 के आसपास जो है आप आराम से ट्रिपल नेविगेशन फीचर जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात की जाए कलर ऑप्शंस की और साथ ही साथ प्राइसिंग की, तो कलर ऑप्शन टोटल 3 वेरिएंट्स दिए गए हैं एंड इसके साथ में आपको 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप इजीली बाय कर सकते हैं। मेनली जो है ग्रेफाइट कलर जो है ज़्यादा दिया गया, मतलब डार्क कलर जो है आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए 2,03,000 और 2,05,000, 2,08,000 जो है एक शोरूम प्राइस दिया गया। इसमें आप जो है 30,000 के आसपास ऐड कर लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सिटी में क्या प्राइसिंग आने वाली है। ऑन रोड प्राइस जो मैंने बताया अभी एक्शन प्राइस है। एंड दोस्तों आपको कैसा लगा स्क्रैम 411? अगर आपने टेस्ट राइड लिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को यहीं शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, आई होप आपको कंप्लीट डिटेल मिल चुका होगा। एक बार इसको राइड जरूर करिएगा, आप सामने से देखेंगे तो आपको एक अलग लुक जो है लगेगा। अगर आप बाइक बाय करना चाहते हैं स्क्रैम्बलर, तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं इस बाइक को, बिकॉज सामने से जो लुक है वो टोटली डिफरेंट लग रहा है एंड फील, राइडिंग फील भी डिफरेंट है। आई होप कंप्लीट डिटेल मिल चुकी होगी। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लड ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।